बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यमी मैंगो कस्टर्ड फालूदा। तो उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून दूध ले लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। उसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने आधा लीटर दूध ले लिया और दूध को हम बॉयल कर लेंगे। और बॉयल करने के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिक्सचर ऐड करेंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे और 7 चम्मच चलाते जाएंगे। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये मिक्सचर जो है हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो हमारा क्रीमी मिक्सचर रेडी है। इसको हम साइड पे रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी 4 से 5 खाने के चम्मच और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो हमने मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ये कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि सेट करते हुए मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने इसमें ऐड किया है 2 खाने के चम्मच तुखम मलंगा, जिसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया था। और अब हम इसमें वर्मी सैलीज यानी सेवैयाँ ऐड करेंगे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। और अब हम इसमें मैंगो क्यूब्स ऐड करेंगे और उसको सेट कर लेंगे। तो मैंगो क्यूब्स के बाद हम इसमें कुछ ड्राई नट्स ऐड करेंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम टूटी फ्रूटी इसमें ऐड करेंगे। और लास्ट में बारी आती है मैंगो कस्टर्ड की, जो हमने पहले तैयार करके रखा था और उसको 1 घंटा मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। तो इसको ग्लास के ऊपर सेट कर देंगे। तो लास्ट में हम इसके ऊपर चंद मैंगो क्यूब्स और ड्राई नट्स ऐड करेंगे। तो मैंगो फालूदा हमारा रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए ट्राई कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।